हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, हम एमपी जीके में आज पढ़ने जा रहे हैं टेंपल, सारे एमपी के टेंपल, सारे मतलब कि सारे, क्योंकि ऐसे ऐसे टेंपल्स हैं जिनका नाम तो मैंने भी नहीं सुना था। इस बुक में दिया हुआ है तो अपन पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से। इसने टेंपल्स सारे कवर करे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि व्यापम जिसका नाम बस बदला है पी भी हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चंस वैसे ही पूछेगा जैसे पूछता आता था, मतलब कि कुछ भी टेंपल, कहीं का भी टेंपल कुछ भी पूछ लेता था। तो अपन इस वीडियो के थ्रू पूरे टेंपल्स कवर कर लेंगे, तो पूछने दो उसको कहाँ से भी पूछेगा। आपने अगर ये वीडियो को अच्छे से देख के सुन लिया और दो तीन बार अगर सुनेंगे ना, तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ थोड़े मोड़े ऐसे टूटे फूटे से ट्रिक यूज़ करेंगे, तो आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा, वो सिर्फ ट्रिक्स हैं जिससे याद रह जाए दिमाग में, ठीक है। तो अपन सारे टेंपल्स को कवर करते हैं, ओके। तो सबसे पहले आ जाता है पतियान दाई टेम्पल, वो चेहरा सतना। तो पतियान दाई मतलब पति को चेहरा दिखाना, तो पतियान दाई से हो गया पति, पति को ही चेहरा दिखाएंगे ना, तो चेहरा से हो गया वो चेहरा। तो पतियान दाई कहाँ, वो चेहरा, और चेहरा कहाँ है, सतना में सट के बैठना पड़ता है, वो चेहरा चेहरा दिखाना पड़ता है, ठीक है। गोला मठ मैहर, तो माई हर, माता का हार, गोला गोल गोल रहता है ना, तो गले में ऐसे पहनते हैं गोल गोल हार, माई हार। तो गोला मठ, गोल से हो गया गोला मठ, और ये कहाँ है, मैहर सतना में। फिर उसके बाद कुंवर मठ जसो सतना, कुंवर से हो गया कुंवर, जैसा है वैसा ही रह गया, कुंवारा कुंवारा था ना बचपन में, तो उस थोड़ी ना शादी हो जाती है, पहले हो जाती थी, तो जैसा है वैसा, जसो से हो गया जैसा है वैसा, और जसो कहाँ आता है, सतना में। अभी अपन सतना के सारे देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसा है वैसा कुंवारा, कुंवारा मठ, तो कुंवर मठ, कुंवर ही मरेगा, कुंवर मठ जसो सतना, ओके, जैसा है वैसा। फ्रेंड्स प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा, बस इसको याद करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा कुछ पर्सनली नहीं है, ठीक है। उसके बाद जालपा देवी टेम्पल, जालपा देवी नागौर सतना, नागौर, नागौर से बन जाएगा नाग, नाग अगर डस लेता तो कैसे अपन जले हुए से दिखते हैं, नीले नीले, तो जालपा से जला हुआ। जालपा देवी टेम्पल कहाँ हो गया, नागौर में, ठीक है। नागौर कहाँ आता है, सतना में, तो जालपा देवी नागौर सतना, नाग जला हुआ, जालपा, ओके। गैवीनाथ टेम्पल बिरसिंहपुर सतना, गवी गैवीनाथ, गाय जैसा साउंड हो रहा है ना, देखिए गैवीनाथ, गाय विथ बिरसिंह, मतलब सिंह है, गाय विथ सिंह, बिरसिंह से, सिंह से बन गया बिरसिंह, तो गाय विथ सिंह, गैवीनाथ, गाय विथ गैवीनाथ, ठीक है, उसे थोड़ा सा ऐसे लिंक करिए, गैवीनाथ गाय विथ सिंह, ओके। तो बिरसिंहपुर सतना में गैवीनाथ टेम्पल कहाँ, बिरसिंहपुर सतना। फिर शारदा देवी टेम्पल, तो शारदा देवी टेम्पल, तो इसको तो याद कराने कोई नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ये सबको पता होता है, मैहर में है, सतना में, बहुत ही धार्मिक स्थल है शारदा देवी टेम्पल। तो ये त्रिकुट पहाड़ी पर बसा हुआ है, और यहाँ पास आला उदल का तालाब भी है, तो फ्रेंड ये शारदा देवी टेम्पल, नो ट्रिक्स, इट इज़ इन मैहर सतना, ओके। फिर कुड़िया टेम्पल गुड़ रीवा, गुड़, गुड़ से देखो, गुड़ से बन जाएगा गुड़िया, तो कुड़िया, गुड़ से भी गुड़िया बन रहा है, तो गुड़िया का बस गुड़ ले लिए हैं और कुड़िया के साथ जोड़ दिए हैं, तो कुड़िया टेम्पल गुड़ के साथ रीवा, ठीक है। गुड़ एक तहसील है वहाँ की, तो गुड़ रीवा में पाया जाता है, कौन सा टेम्पल, कुड़िया टेम्पल, ठीक है। लुकेश्वर नाथ टेम्पल जवा रीवा, तो जवा भी एक तहसील है रीवा की, वहाँ पास लुकेश्वर नाथ, अपन जवा वो बोया जाता है ना खेतों में, तो उसमें जब लुका छुपी खेलते थे तो वो गेहूं जैसा ही पेड़ होता है, तो वहाँ छुप जाया करते थे, तो जवा लुकेश्वर, लुक जाते थे, लुकने को भी छुपने को भी लुक बोलते हैं, तो लुकेश्वर नाथ कहाँ जाके छुप गए हैं, जवा में, रीवा में, और जवा कहाँ बोया, रीवा में, तो लुकेश्वर कहाँ जाके लुक गए हैं, जवा के खेत में, रीवा में, ठीक है, लुकेश्वर नाथ जवा रीवा। उसके बाद महामृत्युंजय टेम्पल, तो महामृत्युंजय का ये मेला भी लगता है रीवा में, तो ये बिल्कुल याद नहीं कराना मेरे को, महामृत्युंजय टेम्पल कहाँ है, रीवा में, ये आपको खुद से याद रखना है, क्योंकि ये मेला भी लगता है कहाँ, महामृत्युंजय मेला रीवा में, तो महामृत्युंजय टेम्पल भी कहाँ होगा, रीवा में। फिर चिरहुल्ला नाथ टेम्पल रीवा, इसका क्या है, चिरहुल्ला नाथ टेम्पल, चिरहुल्ला रीवा, तो रीवा में कौन रहते हैं, बघेलखंडी, ठंडी लगे ना गर्मी, हमें बघेलखंडी, ऐसा रहते हैं ना, तो फिर इनका क्या रहता है, अलग ही जोश रहता है बघेलखंडियों में, तो ये लोग चीर फाड़ कर देते हैं, अभी रीवा वाले बहुत न्यूज़ में रहते हैं, तो ये चिरहुल्ला नाथ भी समझ जाओ रीवा में, ठीक है, चीर देंगे फाड़ देंगे ऐसा, फ्रेंड प्लीज़ माइंड मत करिएगा, ये बस ट्रिक है, ओके। तो चिरहुल्ला नाथ टेम्पल कहाँ, रीवा, तो चिरहुल्ला नाथ याद रखिएगा, चीर देंगे फाड़ देंगे बघेलखंडी रीवा, ओके। फिर योगिनी टेम्पल, तो योगिनी टेम्पल कहाँ है, सिरमौर रीवा में, तो रीवा में जो सिरमौर योगिनी क्या करते हैं, योग करते हैं, योग करते हैं, तो उनके सिर में अगर मोर भी नाचे तो उन लोग की तपस्या भंग नहीं होती, तो योगिनी
सिर में मोर भी नाचे तो भी नहीं अपना योग छोड़ेंगे। तो योगिनी टेम्पल कहाँ है? सिर मोर रीवा में। फ्रेंड्स ये ट्रिक है, आप अगर एग्जाम में कभी पूछेगा ना तो आपको योगिनी ऐसे आप मेमोराइज करोगे तो कहीं ऑप्शन में आपको दिखेगा सिर मोर लिखा, तो आप वहाँ से कनेक्ट करके आपको याद आ जाएगा। तो बस ये ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स इसीलिए याद करते हैं कि वो थोड़ा सा दिमाग में एक अपना व्यू छोड़ के चला जाता है, तो इस कारण से आपको याद रह जाएगा। कभी आप कोशिश करिएगा आंसर कभी फंसे ऐसा तो देखिएगा आपको याद रहेगा। कंकाली देवी सुहागपुर शहडोल। तो कंकाली, काली माता थी ना, उनके जब शिव जी सामने लेट गए थे तब वो शांत हुई थी, उनके सामने सुहाग, अपने पति को सुहाग भी बोला जाता है ना, तो सुहागपुर, काली से याद रखना सुहाग। तो कंकाली देवी टेम्पल सुहागपुर शहडोल, सुहागपुर कहाँ था? शहडोल में। तो काली, कंकाली, सुहाग, शहडोल, ओके। उनका गुस्सा शांत कराया था उनके ही पति शिव जी ने, है ना, पार्वती का ही रूप है काली माता। तो कंकाली सुहागपुर शहडोल। विराट टेम्पल शहडोल, इसका कोई ट्रिक नहीं है फ्रेंड्स, इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ क्योंकि शहडोल में एक हमारी रिश्तेदार थे जिन्होंने विराट रूप का उनने धोखा किया हमारे साथ, और वो अभी विराट नगर में आके रहने लग गए। तो विराट रूप का मीठी छुरी दूसरों को बोल बोल के खुद मीठी छुरी निकले, तो शहडोल में ही रहते थे वो। तो आपको मेरे रिश्तेदार से याद रख लीजिए, एक काम करिए, शहडोल में विराट धोखा करने वाले रहते थे जो कि अब विराट नगर में रहने लग गए हैं। तो विराट टेम्पल कहाँ? शहडोल में, वहाँ ढोल बजा बजा के उनने मीठी छुरी करके वो काम कर दिया धोखा, ठीक है। तो विराट टेम्पल कहाँ? शहडोल में, ठीक है, हमारे रिश्तेदार। विश्वनाथ टेम्पल बांधवगढ़ उमरिया। विश्वनाथ, विश्व के नाथ को बांधा नहीं जा सकता उम्र भर, वो विश्व के नाथ हैं तो बांधा नहीं जा सकता, बांधवगढ़ घर में नहीं बांध सकते, वो उम्र भर फ्री हैं। तो उमरिया में है बांधवगढ़, और विश्वनाथ टेम्पल कहाँ है? बांधवगढ़ उमरिया, याद रखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये सिर्फ ट्रिक हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ सिर्फ ट्रिक्स हैं, इसको माइंड मत करिएगा। सगरा टेम्पल, इसका मुझे भी नहीं पता, उमरिया। संग रहेंगे उम्र भर, तो सगरा, संग रहना, सगरा, संग रहना उम्र भर, तो सगरा टेम्पल कहाँ? उमरिया। ज्वालामुखी टेम्पल रोहनी व उमरिया, तो ज्वालामुखी टेम्पल कहाँ? रोहनी व उमरिया में। तो ज्वालामुखी, अगर ज्वाला से जल गया तुम्हारा मुख तो तुम रोगे उम्र भर, रोनी व, रोनी वाले हो उम्र भर, अगर तुम्हारा मुख ज्वालामुखी जल गया, ज्वालामुखी टेम्पल रोहिणी व उमरिया, तो उम्र भर रोगे, ठीक है। तो ज्वालामुखी टेम्पल रोहिणी व उमरिया, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे थोड़ा सा याद करने के लिए बस हेल्पफुल रहे इसलिए, ठीक है ना, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। ज्वालामुखी टेम्पल कहाँ? रोहिणी व उमरिया। पतलेश्वर महादेव कहाँ? अनूपपुर। तो अनु एक लड़की है, बहुत पतली दुबली है, तो अनूपपुर में है अपना पतलेश्वर महादेव, ठीक है। तो पतलेश्वर महादेव कहाँ है? अनूपपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद करण टेम्पल, ये भी अनूपपुर, तो अनूप का फ्रेंड है एक करण, तो अनूपपुर में ही रहते हैं दोनों। पतली है वो अनूपपुर में रहती है अनु, और करण उसका फ्रेंड है, तो वो भी अनूपपुर में, ठीक है, ऐसे याद कर रहे हैं। फिर राजा राजेश्वरी टेम्पल, तो ये मंडला, तो राजा है, राजा की एक राजेश्वरी है, दोनों का मन लग गया है मंडला में, तो राजा राजेश्वरी टेम्पल कहाँ है? मंडला। राजा राजेश्वरी टेम्पल मंडला। सूरज टेम्पल विष्णु टेम्पल रामनगर मंडला, तो सूरज और विष्णु भी कहाँ रह रहे हैं? रामनगर मंडला में, तो सूरज विष्णु टेम्पल रामनगर मंडला। दलदली माता टेम्पल, दलदली माता टेम्पल ये कहाँ है? जेवनारा मंडला, जेवनारा मंडला, तो जेव में ना रहा, जेव ना रहा, जेव ना रहा मतलब समझ लो पैसे नहीं रहे, तो मन ही नहीं लगता, तो मंडला, जेवनारा मंडला, तो दलदल में फंसते जाते हैं कोई गलत काम में, तो दलदली माता मंदिर कहाँ है? जेवनारा मंडला, जब जेब में कुछ ना रहा तो मन भी नहीं लगा तो दलदल में फंस गए, तो दलदली माता टेम्पल कहाँ है? जेवनारा मंडला, ओके। फिर उसके बाद नरसिम्हा टेम्पल नरसिंहपुर, तो सेम साउंड कर रहा है, नरसिंह 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 नरसिंह, तो ठीक है, इससे आप कन्फ्यूज मत होना, बस इसको याद कर लेना, नरसिम्हा टेम्पल नरसिंहपुर, ओके। फिर उसके बाद गरुड़देव टेम्पल, ये भी नरसिंहपुर में है, तो गरुड़ देव एक गरुड़ था ना बहुत बड़ा पंछी जिसने हेल्प की थी सीता माता को रावण से बचाने में, लेकिन कहाँ बचा पाया था, रावण ने उसके पर कतर दिए थे, तो ये भी नरसिंह मतलब सिंह रूपी काम किया ना, नरों में भी सिंह, नरसिंह मतलब कि बहुत बहादुरी वाला काम किया था इसने गरुड़ ने, तो ये भी नरसिंहपुर में, ठीक है। तो गरुड़ देव का भी टेम्पल कहाँ है? नरसिंहपुर में। तो फ्रेंड्स अपन एक बार देखें, अगर आपको याद होगा योगिनी जैसे बताया था सिर में मोर भी नाचे तो योग से नहीं सिर मोर रीवा, कंकाली सुहाग, ठीक है, विराट शहडोल, ये तो बहुत अच्छे से याद रखना, विराट शहडोल, विश्वनाथ टेम्पल बांधवगढ़, विश्व को नहीं बांधा जा सकता, ठीक है ना, विश्वनाथ,
सगरा उम्र भर संग रहेंगे उमरिया, ठीक है, ज्वालामुखी टेम्पल रोहिणी व उमरिया, ठीक है। इस तरह से आपको अगर याद हो गए हो तो बताइए, फिर अपन नेक्स्ट आगे बाकी टेम्पल सब कवर करेंगे, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है फ्रेंड्स। आप मुझे कमेंट्स में बताइए अगर ये पैटर्न सही लग रहा है टेम्पल्स को याद करने का। तो फ्रेंड्स बहुत सारे टेम्पल है, अभी देखिए ये इस तरह के पूरे टेम्पल, फिर इसके बाद ये सारे टेम्पल्स, तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं ये सारे याद करना है। तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताइए अगर इस पैटर्न में अगर आपको टेम्पल याद हो रहे हैं तो हम इसको आगे फिर कवर करेंगे, नहीं तो कवर तो हम करेंगे फिर सिंपल वे में कवर कर लेंगे। ओके, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।